हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनूप सिंह और आप देख रहे हैं सीएनसी टेक स्किल चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा माइक्रो। देखिए, माइक्रो में क्या होता है कि हम जब कोई भी पार्ट या पिक्चर पे जब हम वर्क करते हैं, जहां हमारा मास प्रोडक्शन की काम होता है, वहां पे क्या होता है कि ये पिक्चर पे हमारे एक साथ चार पांच कंपोनेंट या दो कंपोनेंट या छह कंपोनेंट बनते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हमें स्टेशन को बाईपास करनी पड़ती है, तो उसी प्रोग्राम में हम स्टेशन कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक पिक्चर है, रोटरी टाइप पिक्चर है, इस पे ये दो स्टेशन है, एक ये स्टेशन है एक ये स्टेशन है, ठीक है। ये दोनों में हमारा क्या हो रहा है कि ये मतलब होल बनेंगे, और उस पे मान लीजिए आपके यहाँ कुछ और बन रहा हो, बट हम आपको यहाँ इसी लॉजिक पे बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें होल बनेंगे, ठीक है। तो होल बनेंगे, और तो मान लीजिए कि अगर मैंने फिक्चर लगा दी, ठीक है, इस पे तीन कंपोनेंट लगे हैं, तीनों बन रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी एक कंपोनेंट का हमारा रिपोर्ट एनजी आ रहा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सके, रिपोर्ट एनजी, एयर सेंसिंग काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए फिक्चर डैमेज हो गया, तो ये सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जब ये प्रॉब्लम आ जाएंगे तो हमें इस पे खाली वर्क करना पड़ेगा, हम तो मशीन रोक नहीं सकते, एक स्टेशन तो चलानी पड़ेगी ना। तो ये एक स्टेशन को कैसे हम रोक के उसी प्रोग्राम में इस स्टेशन को चला देंगे, अच्छा ये डैमेज हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इसको चला देंगे, ठीक है। तो आज इसी के ऊपर मैं आपको पूरी तरीके से मैं प्रोग्राम दिखाऊंगा, उसके बाद वीडियो दिखाऊंगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको, ये डबल स्टेशन है, इसके बाद आपको मैं तीन स्टेशन का जो भी होगा, तीन चार स्टेशन पे कैसे बनते हैं, मान लीजिए बहुत सारे चार चार स्टेशन होते हैं, तो उसके ऊपर मैं बताऊंगा, बट आज मैं आपको डबल वाले पे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं माइक्रो के तरफ आपको ले चलता हूँ। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि देखिए ये माइक्रो ऑपरेटर्स होता है, तो इसमें देखिए जो हमारा ये ऑपरेट करता है, ठीक है, आई जो इसका मीनिंग होता है वो है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं जानिएगा तो प्रोग्राम में आपको दिक्कत होगा, और इसके ऊपर मैं डिपली एक वीडियो बनाऊंगा, सारी चीज आपको मैं बताऊंगा कि इक्वल टू क्या होता है, नॉट इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, ये आपका लेस देन क्या होता है, और लेस देन इक्वल टू क्या होता है, सारे के यहाँ सिंबल अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप जब बराबर होगा, जब बराबर नहीं होगा, जब बड़ा होगा, जब बड़ा और बराबर होगा, और इसका मतलब है लेस देन यानी छोटा होगा, और छोटा और बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग है, और इसके बाद मैं आपको प्रोग्राम पे चलता हूँ, प्रोग्राम दिखाता हूँ। चलिए आपको मैं प्रोग्राम पर, देखिए प्रोग्राम नंबर है, ये होम पोजीशन के लिए यूज किया गया है, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ सारी चीजें, ये वाई होम पोजीशन के लिए यूज किया गया है। देखिए प्रोग्राम इसमें किस तरह बनता है आपको मैं बता दूँ। देखिए एक ही मान लीजिए कि एक टूल दो स्टेशन है, दोनों स्टेशन पे चलाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो 54 55 वर्क मान लेते हैं, या एक के में 54 मानेंगे और एक्स और वाई के, एक्स के वाई के दूरी दे देंगे, तो एक ही कोऑर्डिनेट में हमारे दोनों बन जाते हैं। बट मैंने इसमें एक ही कोऑर्डिनेट में दोनों को बनाया है, दोनों को अलग अलग नहीं माना, मान सकते हैं आप 54 55, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। बट देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक स्टेशन दूसरे स्टेशन, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये वर्क पीस है, भले पिक्चर है और इसमें दो वर्क पीस लगे हैं, तो हम चाहें तो इसको 54 मान सकते हैं, इसको 55 मान सकते हैं, ठीक है। अगर चाहें तो हम एक ही कोऑर्डिनेट पे यानी 54 पे ही हम दोनों पार्ट को बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें जो भी हम सेंटर सेंटर जब हम दिखाएंगे, जो भी हमारा सेंटर होगा, सेंटर में से एक्स इधर कितना है, एक्स माइनस में है, तो एक्स दे देंगे, वाई दे देंगे, जो भी कोऑर्डिनेट होगा हम निकाल के दे सकते हैं, तो हम एक ही पे दोनों को बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि एक मान लीजिए एक ही टूल बुलाना है, दोनों स्टेशन पे चलाना है, तो या तो स्टेशन 54 55 कर लीजिए, या तो एक्स वाई की हमें वैल्यू डाल के उसे स्टेशन पे पहुंचा देंगे, ओके। तो चलिए
इसमें एक ये ड्रिल है और ये टूल नंबर 1 है, और आपको 54 में ही बनाया मैंने, जी 54 में ही बनाया, और ये हमारा हाइट ऑफसेट है। और इफ 501 इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे मैंने इक्वल टू को यूज, मैंने बराबर की यूज किया है। अगर हमारा मशीन 501 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 501 इक्वल टू 0, मान लीजिए यहाँ पे हमारा मशीन 0 हो जाएगा, तो हमारी यहाँ पे एक रहेगा, ठीक है। जब ये 0 हो जाएगा तो हमारी मशीन कहाँ जाएगी, गो टू 20, गो टू 20 यानी सीक्वेंस नंबर 20 पे जाएगी, यानी यहाँ पे पहुंच जाएगी। मान लीजिए कि ये हमारा क्या था, देखिए जब ये जब 0 यहाँ नहीं होता, 501 इक्वल टू 0 नहीं होता, 1 होता, तो हमारी मशीन क्या करती, इस कोऑर्डिनेट पे वर्क करती। मान लीजिए इसको मैं ये मान ले रहा हूँ, ठीक है, इस पे वर्क करता। बट अगर 501 इक्वल टू 0 है, तो मशीन हमारी इस स्टेशन पे शिफ्ट हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ से ये भेज देगा गो टू 20। मैं इसकी वीडियो आपको मैं बताऊंगा, मशीन में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये 20 पे चलाएगा, और 20 पाने के बाद ये पड़ेगा। अब यहाँ पे भी चेक करेगा, ये का चेक करेगा, 502 इक्वल टू 0 हो तो गो टू 30 पे जाएगी। मान लीजिए 502 इक्वल टू 0 तो है नहीं, एक है, तो ये इसी पे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये शिफ्ट ना होगा, इसी पे चलेगा। अब इसको जब चलने के बाद, फिर उसके बाद हमारा मान लीजिए ये रिमर का प्रोग्राम है, तो रिमर बुला रहे हैं, या मैं डाया बढ़ाने के लिए ड्रिल ही बुला लिया, मैंने पहले पतला ड्रिल चला लिया, फिर उसके बाद इसी में ड्रिल चला रहा हूँ, तो डाया ज़्यादा करना है मेरे को। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी लिखा है इफ 1 इक्वल टू 0 गो टू 40। तो 501 है, जो 501 इक्वल टू 0 है, तो देखिए यहाँ 501 इक्वल टू 0 है, तो गो टू ये 40 पे जाएगा, N30 नहीं चलेगा, ये प्रोग्राम रीड नहीं करेगी, अब मशीन हमारी इसको रीड करेगी जो कि हमारे इस पे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फिर यहाँ पे भी पड़ा है, 40 में आएंगे तो 40 में देखिए यहाँ हमने डाल रखा है कि अगर यहाँ 502 इक्वल टू 0 होता तो हमारी मशीन 50 पे चलती, माने 500 यहाँ पे आ जाती। अगर ये 0 के बराबर नहीं है, यानी यहाँ 1 है, 502 में देखिए यहाँ 1 है, ठीक है, तो ये तो बराबर है नहीं, है नहीं, तो 50 पे वो जाएगा नहीं, क्योंकि हमको इसी को रीड करानी है। इसी तरीके से 50 हमारी मशीन नहीं पड़ेगी, गो टू कहाँ पहुँचा, ये गो टू 50 पे नहीं पहुँचेगा। उसके बाद जब ये पढ़ के फिर मशीन यहाँ पहुँचेगा, तो फिर इसको रीड करेगा, फिर इसको जब रीड करेगा तो ये कहेगा कि अगर 501 इक्वल टू 0 है, माने बराबर है, तो ये 501 इक्वल टू अगर 0 है तो गो टू कहाँ जाएगा, 60 पे जाएगा। अगर वहाँ एक हो जाएगा तो हमारी मशीन इसको पड़ेगी, ये 60 पे नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमारा अब 68 पे जाएगा, और यहाँ से फिर देखेगा हैच 200 इक्वल टू अगर 0 है, 0 है तो हमारा मशीन 70 पे जाएगा, वहां पे एक है तो इसलिए नहीं जाएगा। और उसके बाद फिर ये इसको पूरा पढ़ेगा और यहाँ प्रोग्राम एंड हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम इसमें करेंगे, अब मान लीजिए इसको हमने एक कर दिया, आप यहाँ एक दो कुछ भी यूज कर सकते हैं, 0 छोड़ के यहाँ 0 कर दी, तो मशीन हमारा क्या पड़ेगा कि अगर यहाँ पे आएगा, अब ये तो 0 है तो ये पड़ेगा, तो अब क्या करेगा कि 1 वाला अगर 501 इक्वल टू 0 है तो गो टू इतना पे जाएगा। अब तो 501 0 नहीं है, एक के है या दो है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे एक द है, तो एक है, तो हमारी मशीन गो टू 20 पे नहीं जाएगी, इस पे वर्क करेगी। जब ये वर्क कर लेगा तो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो चेक करेगा 502 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ मशीन हमारी गो टू 30 पे जाएगी, तो यहाँ 0 है, 502 इक्वल टू 0 है, तो हमारी अब ये प्रोग्राम रीड नहीं करेगा, अब हमारा 30 वाला रीड करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सारे है, सभी मैंने शिफ्ट करके बना दिए, मैंने आपको मशीन पे ले चलता हूँ और वहां पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम आ गए हैं मशीन पे,
चलिए तो देखिए हमारा मशीन ओके हो चुका है और मैं आपको दिखाऊं, टूल वूल मैंने लगा दिया है और वर्क पीस भी नए लगा दी, और इसमें मैं सिंगल ब्लॉक करके चलाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए यहां पे क्या है, 501 इक्वल टू 1 है, अब 502 इक्वल टू 0 है, मतलब एक स्टेशन हमारा चलेगा, ठीक है। तो इसमें 501 वाला हमारा राइट वाला था, 502 वाला लेफ्ट वाला था, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा। देखिए मशीन को होम पोजीशन के लिए यूज कर लिया गया, अब देखिए 501 पढ़ लिया, 502 पढ़ लिया, अब दोनों पढ़ने के बाद अब सीक्वेंस नंबर 1 पे चला और टूल चेंज करेगा। टूल चेंज हो गया और इसके बाद देखिए अब हमारा मशीन 0-0 हो गया और हाइट ऑफसेट ले लिया। अब देखिए यहाँ पढ़ रहा है 501 इक्वल टू 0 गो टू 20, अगर एक हमारा 0 है तो गो टू 20 है, अब 0 तो है नहीं, ठीक है, तो इसी को रीड करेगा। देखिए अब हमारा चला गया, फिर हमारा शिफ्ट हो गया, अब मशीन हमारी चलेगी, ठीक है। तो मैं इसको चला दूँ, मैं इसमें तीन चार होल बनाया था, वो तो आपको मैं तीन होल का दिखाया था, इसमें चार होल बना था। देखिए अब इसके बाद हमारा एक तो ड्रिल चल गया, अब इसके लिए अब दूसरा टूल आ रहा है जो कि इसका डाया बड़ा करेगा थोड़ा, उसके बाद चैम्फर चलेगा, देखिए ये चल गया, उसके बाद चैम्फर चलेगा। अब ठीक है, देखिए ये तो यहाँ पे बन गया, फिनिश हो गया। तब देखिए जैसे हमारा अब तो यहाँ एक स्टेशन चल गया, अब फिर मुझे अगर लेफ्ट वाला चलाना हो, राइट वाला नहीं चलाना है, लेफ्ट वाला चलाना है, तो कैसे चलाएंगे, देखिए यहाँ एडिट करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इक्वल टू 1 और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। और अब देखें अब मशीन को रिसेट करेंगे और मशीन चला देंगे और पार्ट नया लगा देंगे और चला दे मशीन को। अब यहाँ भी पढ़ लिया, अब 501 इक्वल टू 0 है, तो अब देखिए अब गो टू कहाँ जाएगा, यहाँ 501 इक्वल टू 0 है, अब यहाँ पे चलते हैं, मशीन हो पढ़ लिया, देखिए यहाँ पढ़ रहा 501 इक्वल टू 0 गो टू 20, अब देखिए ये 10 पे था, अब 20 पे डायरेक्ट मशीन पहुंच जाएगा, देखिए 20 आ गया, N20 पे आ गया, और इसके बाद अब ये मशीन अपना पढ़ना स्टार्ट कर देगी। हम सिंगल ब्लॉक हटा दें, चला दें, देखिए अब ये हमारा लेफ्ट साइड एल स्टेशन पे वर्क चालू हो गया, ठीक। तो आप लोग समझ रहे होंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं बहुत सारे माइक्रो प्रोग्राम की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आप लोग का सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कोई चीज़ का आपको रिकमेंड है प्रोग्राम का तो आप कमेंट जरूर कीजिए। इसमें क्या हुआ है कि होल का जो डिस्टेंस है थोड़ा नज़दीक हो गया, तो इसमें क्या हुआ कि होल कट गया, ठीक है, बट आप समझ गए होंगे कि हमारा अब लेफ्ट वाला स्टेशन चल गया। अगर दोनों चलानी है तो क्या करेंगे, फिर एडिट करेंगे हम यहाँ से और 501 इक्वल टू 1 कर देंगे, दोनों अगर 1 रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम 1 माने हैं, हम 2 माने हैं, तो 1 2 ही रहेगा, अलग अलग भी कुछ हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे अब आपका दोनों, अब दोनों तरफ ये बनाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ, अब दोनों स्टेशन हमारा अगर ओके हो गई तो दोनों स्टेशन चल जाएगा यहाँ से। ये अब हमारा दोनों स्टेशन पे प्रोग्राम वर्क करेगा, देखिए एक ही टूल दोनों स्टेशन पे चलेगा, पहले आपको मैं बताया था ना कि एक ही टूल अगर दोनों स्टेशन पे चलाना हो, अब उसके बाद देखिए अब दोनों स्टेशन पे एक एक टूल पूरा फुल ऑपरेशन करके ही वो शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अभी ये लास्ट टूल बचा है चैम्फर का,
ये दोनों स्टेशन पे हमारा वर्क हो गया है, तो आप समझ गए होंगे। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपकी जरूर हेल्प की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।